हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, आज मैं इसलिए अकेली हूँ क्योंकि आज मैं करने लगी हूँ प्रैंक। इग्नोर करना, मेरे तोतों को बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। ओके, इनको तो पता चल जाता है कि कैमरा ऑन हो गया, बस ये सब बोलना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं करने लगी प्रैंक की क्योंकि मामा और रेहान बात कर रहे हैं पापा से, वो भी वीडियो कॉल पे उस रूम में। तो हम लोग जा रहे थे बाजार और मैं रेडी भी हुई हुई थी, तो मेरा दिमाग ना चलने लग पड़ा। और आप लोग सारे ना मुझे मैसेज कर रहे थे प्रैंक 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 लीना आप ही प्रैंक। तो मैंने कहा क्यों ना प्रैंक करते हैं। मेरी ना 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब मुझे फीवर हो जाता है, पता नहीं क्या है, या मामा कहती है मौसम की वजह से है। तो मैंने कहा इसी बात पे क्यों ना प्रैंक किया जाए। मामा के पास मैंने कहा है कि मैं रूह अफ़ज़ा लेके ना, तो उसको थोड़ा सा मुंह में डाल के पानी शानी करके तो ऐसे करूँगी। उसका ना कुछ मेरे पास ना पेंट पड़े हुए हैं, मतलब वो जो फैब्रिक कलर्स नहीं होते वो पड़े हुए हैं। मैंने कहा उनको साथ मिक्स करके ना, तो मैं ऐसा कर प्रटेंड करती हूँ कि मुझे खून की उल्टी आई है, मुझे खून आ रहा है, और पापा भी वीडियो कॉल पे होंगे तो देखते हैं कि क्या होते क्या नहीं होता। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि प्रैंक सही जाएगा या नहीं जाएगा, तो फिर ट्राई करते हैं। और कैमरा मैं सेट कर देती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ से आपको सारा नज़र आए, तो फिर चलते हैं। पहले मैं बना तो लूँ चीज़ें जो है ना अपनी, वो चोरी चोरी निकाल आई हूँ। एक वाली में ना मैं रोब्ज़ा भी जो है ना मैं डाल आई हूँ, और मैंने कहा इसमें मैं फैब्रिक पेंट अपने डाल लेती हूँ। ये रेड, हाँ ये रेडी है, खुल ये खुल गया है, बस प्रैंक मेरा हो जाए। फुल रेड है यार, ज्यादा ही डाल दिया मैंने। मुझे तो टेस्ट भी अच्छा लगे ना, इसलिए मैंने डाला रूह अफ़ज़ा। ज्यादा रेड हो गया, सही वाला रेड हो गया, इसका मतलब मेरा प्रैंक सही जाएगा। तो अब करते हैं प्रैंक। मैं फटाफट कैमरा सेट कर लूँ क्योंकि ना रिहान ना कमरे के बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है, वो थोड़ा हो रहा है कि वो ना देख ले बस, तो छुप छुपा के रखते हैं कैमरा, फिर इसको लेके जाते हैं और करते हैं फिर, ठीक है। थोड़ी ओवर एक्टिंग होगी तो इसके लिए माफी अभी से मांग रही हूँ, अब जल्दी से करती हूँ मैं। Moments later. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। चले।
तुम्हारा भी इस तरह के कौन प्रैंक करता है? मामा भी रो पड़ी है। मामा भी रो पड़ी है ना, तमीज किया कर। ये कोई प्रैंक नहीं हुआ वैसे तुम्हारा यार, प्रैंक होने तो देते। अच्छा रोना निकाल दिया है, मम्मा को देख के मेरा रोना निकल गया। ये मैं खुद रेकमेंड नहीं करूंगा, आपने खुद कहना कि यार ये प्रैंक वाकई ये प्रैंक नहीं था, ये मैं नहीं इस चीज को मानता। ये ना करने वाला प्रैंक था तुम्हारा वैसे। प्रैंक हुआ ही नहीं, मेरा रोना निकल गया मामा को देख के। कोई इंसानों वाला प्रैंक करो, ये क्या किया मेरे खुद का अंदर से एक दफा सिस्टम में लग गया कि ये इसकी खून की उल्टी होगी। मैंने पहले देखा चिंता क्या होगा, साथ ही तुम मुंह से कितना ऊपर से रियल इसने काम किया। इसमें वो पता क्या था, फैब्रिक पेंट था मेरा। कैसे प्रैंक हो सकता है कि इतना ब्लड लीना फैब्रिक तमीज कर थोड़ी। मुझे मुझे मामा चेक ना करें, रोब जाएगी है, मैंने सुनी है खुशबू रोब जाएगी है। इतनी बुरी फीलिंग आ रही है ना मुझे, पर इतना रियल कैसे? दिमाग तुम लोगों के चलते हैं इतने यार, इसमें इन कामों में फैब्रिक पेंट है इसमें, ये ड्राने में या करने में, इनमें कर तुम लोगों के दिमाग चलते हैं। मामा मेरा दुपट्टा खराब कर दिया आपने। मैं अच्छा मैं तुम्हें बचाती ना, ब्लड ना रोकती, दुपट्टा खराब कर। मुझे दो तीन लोगों ने ये वाला मुझे प्रैंक कहा था फेक, मतलब ब्लड प्रैंक, तो मैंने किया लगे मैं कर सकता था। मेरी ये देख रहे ये चीजें पकड़ी हुई है सारी, मेरी तबीयत खराब है। ये देखो ये आपको शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो, ये चीज फूली हुई है, ये इस चीज़, प्रैंक का टाइटल होगा प्रैंक ऑन इमोशनल एक्सट्रीमली। हंस रही है देखो हमारे साथ करके, और कह रही है मामा मेरा दुपट्टा खराब कर दिया ये दुपट्टा। अच्छा इसका खून निकल रहा, हमने दुपट्टे देखना। आज 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 आ जा मेरा सोना, आ जा मैंने किया आप सब प्रैंक 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 मांग रहे थे। अच्छा मेरे से ना वेट ही नहीं हुआ, जैसे ही मैंने मामा को देखा ना मामा के आंसू निकल रहे और मेरा रोना निकल गया वहीं पे। मेरी बॉडी पूरी शिवलिंग कर रही है, मैं बच्चा डर गया था। चल तो ऐसे ऐसे प्रैंक मैं कहूंगी कि अपने घर भी ट्राई मत करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि आपकी मम्मा से दाना खासता है ये जी। वैसे ये प्रैंक ही बताया किसने तुम्हें? ये इन लोगों ने मेरे इंस्टा पे मैसेज किया, मुझे भी आया पर मैंने इतना फॉलो नहीं किया। मुझे बल्कि ये लोग दूसरे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं वो मना करते हैं कि मामा के साथ अपनी सिस्टर के साथ ऐसे ब्लड वाले प्रैंक और एक्सीडेंट प्रैंक नहीं करना। मैंने अभी तक किया कोई इस तरह का प्रैंक, मैंने मेरे जेब में तो ऐसे ऐसे खतरनाक प्रैंक है कि आप लोग एकदम नहीं कर रहे। इसको भी ना करना, तो मैं नहीं ना कर रहा, मैं इसी वजह से कह रहा हूं गाना खासता कुछ नहीं है। मैं देखो अभी मेरी क्या हालत होगी, मेरा हार्ट अभी भी स्टेबल नहीं है। तो आपको पता चल गया ना घर में सब मेरे से कितना प्यार करते हैं, यू नो ना आई एम प्रिंसेस। जीन देख इसके साथ ही हुआ, इसका मुंह देखो लीना, इसने कहा लीना इतना प्यार है सद के जाओ। मैं प्यार नहीं था, मैं कहा गई यस यस चल निकल बंसड़ी की। भाई कहते ऐसे ही है लेकिन प्यार बहुत करते हैं, ठीक है ना। आपने आप खुद देखोगे कितना ज्यादा ये डर गया था। तो यहीं पे करते हैं प्रैंक एंड और चलते हैं बाजार। मामा चले अब थोड़ा आराम, हम शॉपिंग के लिए बता रहे थे। आपको अगर प्रैंक अच्छा लगा हो, अच्छा तो नहीं लगेगा इमोशनल था, तो
क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, तब तक के लिए बाय, तब तक के नेक्स्ट प्रैंक आता है। इसी तरह प्यार करते रहिए, न्यू इसी तरह मिलेंगे, न्यू डॉग न्यू प्रैंक, अल्लाह हाफिज़। यस, ये बोलते हैं। ओके।